अरे सिंचन, अरे है प्रिंकिंग भैया, भाई साहब तू बहुत दिनों तक स्कूल नहीं जा रहा है, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता है। अरे प्रिंकिंग भैया मुझे नहीं जाना है स्कूल यार। अरे यार स्कूल तो जाना पड़ेगा, चल आ जा। अरे नहीं मुझे बीच घूमने जाना है। अरे भाई साहब चलो नोबिता तुम भी आ जाओ। अरे यार जोर जबरदस्ती लेके जा रहा है कोई, तो मुझे बचाओ। अरे यार यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा भाई साहब, तुझे स्कूल में आज जो छोड़ के ही जाऊंगा। तूने क्या सोचा कि यहाँ पे स्कूल नहीं जाएगा? अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज यार मुझे यहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं जाना है। अरे यार अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे स्कूल जो जाना चाहिए सिंचन। अरे यार कोई तो यहाँ पे बुड्ढे को समझाओ। क्या 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 भाई साहब बुड्ढे? अरे किसने बोला बुड्ढा मुझे? अरे यार मैंने बोला। अरे यार भाई साहब मैं बुड्ढा नहीं हूँ यार, मैं यहाँ पर अभी तक जवान हूँ जवान। अरे एक मिनट, अरे कौन है? अरे मोटू पतलू? अरे ये तो हमारा दोस्त फ्रैंकलिन का आवाज है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब गाड़ी के अंदर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है मतलब? अरे ये तो फ्रैंकलिन है। अरे फ्रैंकलिन हम तो तुम्हारी घड़ी जा रहे थे। अरे क्या बात क्या बात, चलो यार यहाँ पे सभी मिलकर घर चलते हैं। अरे बेटा सिंचन। अरे हाँ मोटू अंकल। अरे बेटे आज स्कूल नहीं गए क्या? अरे मैंने तो कहा था फ्रैंकलिन भैया को, लेकिन फ्रैंकलिन भैया ने मुझे यहाँ पे स्कूल नहीं छोड़ा। अरे स्कूल जाना है, चलो ना, मोटू अंकल ने कहा है। अरे एक मिनट में पलट गया भाई साहब, तू भी ना सिंचन। ठीक है चलो सभी लोग आ जाओ। अरे हाँ, अरे ठीक है चलता हूँ चलो। अरे पतलू चलो आ जाओ। अरे आता हूँ चलो। अरे हाँ भाई साहब चलो जल्दी करो आ जाओ। अरे ठीक है चलो। अरे भाई साहब ठीक है चलो यार चलाता हूँ। यार तुम लोग भाई साहब बिना बोले यहाँ पे कैसे आ गए? अरे क्या फ्रैंकलिन गाड़ी को ठोक दिया? अरे ये तो होता रहता है यार, ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन छोड़ो यार ये सब बात, लेकिन तुम बताओ यहाँ पे तुम लोग कैसे आना हुआ? अरे यहाँ पे बहुत दिन तक हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं गए, इसीलिए आ गया फ्रैंकलिन। अरे बहुत बढ़िया किया चलो यार। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे स्कूल जाना है। अरे नहीं अभी तो तू रो रहा था कि स्कूल नहीं जाना है। अरे नहीं मोटू अंकल ने कहा ना कि स्कूल जाना चाहिए। अच्छा और जब मैं बोल रहा था स्कूल जाना चाहिए? अरे आपका बात कौन सुनता है, मुझे मोटू अंकल पसंद है। अरे बच्चे देखा फ्रैंकलिन, बच्चे का मन जो है ऐसा जीता जाता है। अरे भाई साहब ये बच्चा नहीं यार ये बुड्ढा है। अरे कौन बुड्ढा है वो तो समझ में आता है। अरे तुम लोग अपने आप में लड़ाई करना बंद करो। अरे हाँ यार लड़ाई कौन कर रहा है, चलो आ जाओ नीचे। ओ भाई साहब यार आज तो मोटू पतलू हमारे घर आए हैं। अरे ओ चुप भाई साहब, क्या हुआ? अबे चुप, देखो मोटू पतलू आया है। अबे भाई साहब काए काए। अरे ओ तुम लोग नीचे तो आ जाओ। अरे क्यों आए? अरे यार भाई साहब अरे कहाँ गया यार सिंचन मोटू पतलू? अरे यार दरवाजा बंद करके चले गए, घंटा आ पाएंगे क्या? अरे यार सॉरी सॉरी आ जाओ। अरे नोबिता आ जा। अरे हाँ। अरे यार यहाँ पर देखो। अरे यार अजीब है, मेरे साथ भाई साहब कोई भी नहीं है, सभी लोग इस मोटू पतलू के साथ ही रहा। अरे कोई नहीं चे, मेरा ही दोस्त है। अरे चुप ये देखो। अरे चुप कैसे हो? अबे भाई साहब मोटू अंकल बहुत बढ़िया हूँ बहुत बढ़िया। अरे यार मोटू पतलू बताओ क्या खाना है? अरे आज मुझे खाना नहीं है, आज मुझे खिलाना है। अच्छा खिलाना है, क्या खिलाना है? अरे फ्रैंकलिन मैं सोच रहा हूँ चलो एक कंपटीशन हो जाए। कंपटीशन किस बात का? कौन सबसे ज्यादा बढ़िया खाना बना पाता है, मैं और तुम, चलो यार करते हैं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, चलो यार करते हैं। अरे हाँ तो फिर बताओ तुम लोगों को क्या पसंद है? अरे मुझे यहाँ पे हैमबर्गर। अरे मुझे हॉट डॉग। अच्छा ठीक है चलो यार मैं भी यहाँ पे हॉट डॉग बनाता हूँ, तुम वहाँ पे हैमबर्गर बनाओ। अरे ठीक है चलो दोनों रेखा पर देखते हैं किसका यहाँ पर जबरदस्त जीत होता है किसका हार। अच्छा ठीक है भाई साहब चलो, तो फिर मैं यहाँ पे लग जाता हूँ काम पे। तो फिर अभी जो है यहाँ पे हमारे बीच पे जो कंपटीशन होगा कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया हैमबर्गर जो बना पाता है, मोटू या फिर फ्रैंकलिन। तो फिर आप लोग दोस्तों किसके साथ हो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, मोटू या फिर फ्रैंकलिन। अरे मोटू चलो यार। अरे हाँ चलो 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 ठीक है यार, यहाँ पर मैं एक और मशीन ला के रखता हूँ। तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर जो तैयार है। अरे मैं इस गेम का जज बनूंगा, जज जज। अरे मैं बनूंगा। अरे बर्थडे ठीक है तू भी बन जाओ। अरे नहीं नोबिता, अरे पतलू तुम बन जाओ। अरे नहीं यहाँ पे मोटू ने कह दिया ना सिंचन बनेगा। अरे मोटू अंकल थैंक यू। अरे कोई बात नहीं यार,
अरे यार मुझे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। अरे फ्रैंकलिन मैं कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तो फिर ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंपटीशन शुरू होता है। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों में से कौन ज्यादा बढ़िया हैमबर्गर बना पाता है। ठीक है ठीक है चलो। अरे देखो यार दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो चुका है। अरे नोबिता तुम बताओ कौन जीतने वाला है? अरे मोर कौन, यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया जीतेगा। अरे थैंक यू। अरे नोबिता तू मेरा साथ है मेरे भाई। अरे देखते हैं यार सबसे पहले यहाँ पे कौन जीतेगा, ये तो हैमबर्गर बनाने के बाद ही पता चलेगा। अरे हाँ यहाँ पे जज बोलेगा कौन। अरे हाँ भाई सब ठीक है। अरे देखना मैं ऐसा यहाँ पर हैमबर्गर बनाऊंगा तुम लगने कभी सच्ची ना होगी। अरे यार मैं भी यहाँ पे कच्चा गोलियां खा के नहीं बैठा हूँ, मैं भी यहाँ पे बना सकता हूँ। और सिंचन और नोबिता को तो मेरा हैमबर्गर पसंद ही है। अरे यार देखते हैं किसका हैमबर्गर बढ़िया होता है। अरे दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताओ किसका हैमबर्गर सबसे बढ़िया होगा, मोटू अंकल की यहाँ पर जो फ्रैंकलिन भैया, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो। अरे हाँ चलो मेरा हो गया। अरे बा इतना जल्दी हो गया? अरे बा। अरे चलो मेरा भी हो गया। अरे ठीक है तो फिर यहाँ पे टेबल में लगा दो। अरे ठीक है तो फिर लो बर्गर बन के रेडी हो चुका है। अरे यार देखने में तो दोनों ही टेस्टी लग रहा है। अरे चलो मैं यहाँ पे खा के देखता हूँ। अरे सबसे पहले फ्रैंकलिन भैया का खाता हूँ। अरे अरे यार ये टट्टी खा लिया मैंने। अरे सिंजर कुछ बोला क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया। अरे बैठे अभी मेरा ट्राई करके देखो। अरे ठीक है मोटू अंकल। अरे अरे बा। अरे यार देखा मेरा बर्गर कितना ज्यादा बढ़िया लगा। अरे तो फिर बताओ मेरे जर्ज, छोटे जर्ज कौन जीता है? अरे यार यहाँ पे और कौन जीत सकता है, फ्रैंकलिन भैया का बर्गर तो पूरा टट्टी जैसा था। क्या टट्टी जैसा? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। और ये विजेता है मोटू अंकल। अरे मुझे पता था कि मैं जीतूंगा। अरे हाँ मोटू अंकल आपका बर्गर बहुत ज्यादा बढ़िया था इसीलिए आप जो जीत गए। अच्छा तो फिर अभी जो मोटू जीत गया, ठीक है भाई साहब मत खाओ मेरा बर्गर कोई बात नहीं। अरे फ्रैंकलिन गुस्सा हो गए क्या? अरे नहीं यार गुस्सा होने की क्या बात है यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन हार गया रंदलू। भाई साहब बहुत देख रहा हूँ कि यहाँ से आने के बाद भाई साहब यहाँ पे सिंचन नोबिता सभी लोग भाई साहब पलट गए हैं। अरे मेरा कोई यहाँ पे इज्जत नहीं है। अरे छोड़ो यार मेरा ही तो दोस्त है ना। अरे यार मुझे दुख हो रहा है यार थोड़ा सा कि जो लोग हर दिन भाई साहब मेरा बर्गर बनाया हुआ है यहाँ पे बर्गर खाने के लिए भाई साहब हमेशा यहाँ पे बैठे रहता था, आज वो यहाँ पे मेरे बर्गर को बोल रहा है कि अच्छा नहीं है। अरे कोई नहीं यार चलो यहाँ पर भाई साहब जाके टीवी देख लेता हूँ। अरे यार ठीक है भाई साहब चलो यार टीवी देख लेता हूँ। वो लोग बर्गर खा रहे हैं खाने दो, मेरा उससे क्या जाता है। चलो यार टीवी देख लेता हूँ मैं। अरे दोस्तों तो फिर बताओ मेरा बर्गर यहाँ पे कैसा लगा? अरे आपका बर्गर बहुत ज्यादा बढ़िया है। अरे तो फिर ठीक है दोस्तों चलो हम लोग सभी मिलकर यहाँ पे घूम के आते हैं दूर से। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया को भी ले लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन तो लगता है गुस्सा होके चला गया। अरे छोड़ो अभी फ्रैंकलिन को, चलो हम लोग ही जाके घूम के आते थोड़ा सा लॉस सैंटोस। अबे भाई साहब किधर जा रहे हो सभी लोग? अरे चुप थोड़ा सा घूमने। अबे ठीक है मैं घर का ध्यान रख दूंगा। अरे बिल्कुल चलो फ्रैंकलिन का ये गाड़ी ले लेता हूँ। अरे मोटू अगर फ्रैंकलिन गुस्सा हो गया तो? अरे नहीं यार फ्रैंकलिन मेरा दोस्त है, वो क्यों गुस्सा होगा? अगर वो यहाँ पे सुनेगा मोटू लिया तो वो यहाँ पे मान जाएगा। अरे बिल्कुल सही कहा है फ्रैंकलिन भैया, मन का बहुत अच्छा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन जैसे मन का अच्छा है वैसे दिल का ही सच्चा है। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर फ्रैंकलिन जैसा बंदा बहुत ही कम दिखने को मिलता है। अरे मोटू अंकल यहाँ पे आप और फ्रैंकलिन भैया कैसे करके दोस्त हुए? अरे वो तो बहुत ज्यादा लंबा कहानी है। यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ मेरा संबंध एक अच्छी खासी तरीके से हुआ था। अरे बताओ ना। अरे बच्चे अभी नहीं बाद में कहीं बताऊंगा। अरे ठीक है मोटू अंकल। अरे बिल्कुल चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा बीच वगैरह, यहाँ पे मजे करेंगे। आज तो यहाँ पे लॉस सैंटोस आए हैं मजे करने के लिए। चलो बतलू यहाँ पे माइकल को भी ले ले क्या? अरे माइकल तो लगता है काम में होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल वो तो अमीर आदमी है, अमीर आदमी हमेशा काम में ही फंसा रहता है। अरे बिल्कुल सही कहा, माइकल भैया हमेशा काम में बिजी रहता है। अरे बिल्कुल चलो हम ही लोग चलते हैं चलो। अरे यार चलो यहाँ पर तो बहुत देर हो गया, पता नहीं ये लोग जो क्या कर रहा है। चलो यार जाके देखता हूँ, पता नहीं ये लोग जो क्या कर रहे हैं। अरे ओ मोटू पतलू सिंचन नोबिता, अरे अजीब बात है यहाँ पर कोई नहीं है क्या?
मोटू पतलू शिनचैन नोबिता कहाँ हो भाई साहब? अरे भाई साहब किसको ढूंढ रहा है? अरे यार चौप में मोटू पतलू को ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई साहब तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ उसके साथ गया नहीं? क्या उसके साथ गया नहीं मतलब? अरे भाई साहब यहाँ पे तो सभी लोग घूमने गया है भाई साहब, तेरे को छोड़ के चला गया क्या रे कलुए? अरे घूमने गया है कैसा बात कर रहा है? मुझे बिना बताए तो बोलो घूमते नहीं जाते? अबे भाई साहब यहाँ पे भाई हुआ है। अजीब है यार, मुझे बताए बिना यहाँ पे चला गया। अरे देखो यार मेरा दोनों बर्गर यहाँ पर जो नीचे पड़ा है, और मोटू पतलू का बर्गर देखो यहाँ पे पूरा जब सपा चाट हो चुका है, और मेरा बर्गर भाई साहब नीचे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे भाई साहब दुख तो हो रहा है, लेकिन यार यहाँ पर दोनों भाई साहब यहाँ पर सभी लोग कैसे चले गए मुझे बिना बोल के? अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब, मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार। चलो कोई नहीं, ये तो मेरा ही दोस्त ना, यहाँ पे उससे क्या। अरे मेरे बच्चे शिनचैन बताओ कैसे लगा आज घूमना? अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी लगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, पता नहीं फ्रैंकलिन जब क्या कर रहा है। अरे हाँ, अरे फ्रैंकलिन भैया के बारे में आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला है। अरे बेटे बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे चलो आज जाके खाना खा के सो जाएंगे, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है शिनचैन। अरे मोटू अंकल मुझे यहाँ पे स्कूल नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ खेलना है। अरे नहीं बच्चे, यहाँ पे स्कूल तो जाना ही चाहिए, हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल अगर जाओगे नहीं तो फिर कैसे बढ़ोगे? अरे ठीक है ठीक है। अरे हाँ जब तक मैं हूँ फ्रैंकलिन को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब काम कर दूंगा। अरे ठीक है। अरे वो देखो लगता है फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भाई साहब तुम लोग मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? हाँ अरे फ्रैंकलिन हम लोग घूमने गए थे। अरे यार मुझे एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अरे फ्रैंकलिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घूम के आए हैं, और यहाँ पे मैंने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि तुम तो यहाँ पे टीवी वगैरह देख रहे थे। अरे मोटू अरे छोड़ो यार, अरे शिनचैन यार तुझे तो भाई साहब बोलना चाहिए था ना। अरे मुझे मत डांटो मोटू अंकल को, देखो यहाँ पे मोटू अंकल मुझे कभी नहीं डांटते, और आपको ये कोई फ्रैंकलिन भैया? अरे यार आज शिनचैन मेरे ऊपर चिल्लाया। अरे फ्रैंकलिन शिनचैन तो बच्चा है छोड़ दो ना। अरे हाँ यहाँ पे ऐसे ही समझेगा, चलिए मोटू अंकल। अरे हाँ जाओ बच्चे, चलो पतलू यहाँ पर जाके खाना खा के सो जाते हैं। अरे हाँ ठीक है चलो। अरे यार पिछले एक घंटे से यहाँ पे भाई साहब खड़े होके मैं यहाँ पर तमाशा देख रहा हूँ इन लोगों का, और ये लोग आए और डायरेक्टली यहाँ पर जो घर के नीचे चले गए, मुझे एक बार बोला भी नहीं कि फ्रैंकलिन जाना कि नहीं। अरे भाई साहब यहाँ पे जो हो रहा है ना वो कोई सही बात नहीं है। चलो यार ये क्या, अरे अभी क्या हो रहा है? सही कहा शिनचैन, यहाँ पे फ्रैंकलिन ऐसा ही है। अरे यार मेरे बारे में क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे ये तो एक सीक्रेट है। अरे फ्रैंकलिन भैया ची 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 ची। अरे यार क्या बोला मोटू? अरे फ्रैंकलिन कुछ नहीं चलो खाना लगाओ। अरे खाना भाई साहब तुम लोग खुद बना के खा लो, मेरा भाई साहब यहाँ पे खाना हो गया, अब पड़े हुए बर्गर मैं ही खा लिया था। अरे ठीक है चलो मैं यहाँ पे खाना लगाता हूँ। अरे ठीक है लगाओ भाई साहब, मैं चला सोने, जाओ यार तुम लोग यहाँ पे चलो यहाँ पर सो जाते हैं। अरे यार बहुत नींद आ रहा है, चलो सो जाता हूँ भाई साहब। बढ़िया नींद आया। ओहो भाई साहब बहुत बढ़िया नींद आया यार। अरे चलो सुबह हो गया है, शिनचैन को भी यहाँ पे जाके बुलाना है, स्कूल तो भाई साहब जाएगा नहीं। चलो कोई नहीं भाई साहब, चलो जाके बुलाता हूँ। के अभी क्या, अरे तुम दोनों अभी तुम चारों। अरे बेटे देखो ऐसे करते हैं पुशअप। अरे हाँ मुझे मजा आ रहा है। अरे यहाँ पर मन को पूरा हल्का कर दो। अरे हाँ अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे ये मेरा ही घर है ना। अरे फ्रैंकलिन मैं यहाँ पे शिनचैन को सिखा रहा हूँ कि सुबह सुबह यहाँ पे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए। अरे हाँ यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया बिल्कुल नहीं सिखाता है। अरे सिखाता नहीं भाई साहब, सिखाता है। अरे भैया अरे हाँ यार यहाँ पे भाई साहब नोबिता, अरे यहाँ पे मन को शांति रखो और मेडिटेट करो। अरे मैं पागल हो जाऊंगा शिनचैन, स्कूल वगैरह तो जाना नहीं है। अरे नहीं जाना है। अरे उठो, अरे मोटू तुम भी उठो। अरे यार फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो? अरे यार शिनचैन स्कूल जाना है कि नहीं? अरे अरे बच्चे स्कूल जाना चाहिए।
अरे ठीक है मोटू अंकल, तो फिर ठीक है मैं जाके गाड़ी निकालता हूँ, चल आ जा। अरे चलो सिंचन। अरे हाँ चलिए। भाई साहब चलो, मोटू के कहने पर थोड़ा सा वजह स्कूल तो जाएगा, चलो यार आ जाओ सिंचन। अरे हाँ आता हूँ। अरे सिंचन चलो ये बाइक पे चलते हैं। अरे हाँ। अरे जाओ जाओ। अरे हाँ चलो, मोटू अंकल आ गया। अरे बा यहाँ पर हम दादा चले। अरे भाई साहब यहाँ पर मेरे रहते भाई साहब, यहाँ पे सिंचन जो मोटू के साथ चला गया स्कूल, कल से देख रहा हूँ जब से ये लोग आए हैं तब से ये लोग सेप और सेप इन दोनों के बात ही सुन रहा है, जैसे कि मेरा कोई यहाँ पे भाव ही नहीं है। आने दो आज मोटू को। भाई साहब यहाँ पे सबको यहाँ पे बुला लेना, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। आज मोटू तो गया मेरे हाथ में, दोस्ती आज यही बड़ी खत्म हो जाएगा, आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आजा मोटू तुझे मैं। अरे बाप रे यहाँ पे कितना ज्यादा दूर है सिंचन का स्कूल। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सिंचन को तो मैंने छोड़ दिया, अभी जाता हूँ घर। घर जाके यहाँ पर जो बहुत लेट भी हो चुका है, पतलू को लेके अभी जाना होगा यहाँ पे फुरफुरी नगर। लेकिन सिंचन बोल रहा था कि आज के दिन जो रुक जाओ तो फिर मैं फ्रैंकलिन से जाके बात करता हूँ। मेरे दोस्त फ्रैंकलिन वो तो मुझे कभी भी यहाँ पे जाने के लिए नहीं बोलेगा। भाई साहब चलो जाता हूँ। अरे ये शॉर्टकट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अरे कहा हो कहा हो कहा हो। अरे बा चलो यहाँ पर आ गया। चलो भाई साहब मोटू। अरे फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करना था। बात? भाई साहब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना, मैंने बहुत देख लिया मोटू। अरे ये क्या फ्रैंकलिन पागल हो गए हो क्या? भाई साहब मैं पागल नहीं, तू पागल हुआ है। अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहे हो? भाई साहब बहुत देर से देख रहा हूँ, कल से जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं देखा जा रहा हूँ। सेप और सेप सिंचन नोबिता, सेप और सेप तुम्हारा बात मान रहा है, मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भाई साहब यहाँ पे भाव नहीं दे रहा है। अरे फ्रैंकलिन यहाँ पर दोस्ती के लायक यहाँ पे ऐसा मत करो। अरे यार कहाँ करूँ भाई साहब, आज सुबह तूने क्या क्या बता। अरे यार पतलू। अरे ये क्या हो रहा है? बुला ले तेरे पतलू को, आज तुझे भाई साहब तेरे को और पतलू को भी मारूंगा। अरे क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया? अरे आ पतलू आ, ये तेरा दोस्त ही है अगले। अरे अरे पहले फ्रैंकलिन क्या हुआ, मार क्यों रहे हो? भाई साहब कल से देख रहा हूँ मोटू, कल से देख रहा हूँ भाई साहब बहुत यहाँ पर हो गया, बहुत हो गया मोटू, बहुत हो गया। अरे यार ऐसा मत करो भाई साहब, बहुत हो गया यहाँ पे, मैंने बहुत देख लिया तेरा ये चेक मैक, यहाँ पे सिंचन, यहाँ पे नोबिता। अरे अरे रुक जाओ फ्रैंकलिन भैया, ये क्या कर रहे हो? सबको सबको यहाँ पे तुमने भाई साहब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे भुला के फसला के रखा है, मेरा बर्गर खाने में उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन ऐसा मत करो। अरे देखो मोटू तो बेहोश हो गया। भाई साहब मोटू बेहोश हुआ है, अभी तू ये का पतलू। अरे अरे ये क्या, अरे मोटू, अरे ये क्या, अरे फ्रैंकलिन मैं रुक जाइए। रुक जाओ भाई साहब इसको तो मैं, चल निकल जा मेरे घर से, कभी आगे से बिन बुलाए ऐसे करके मत आना, मतलब मत आना। अरे अरे रुक जाओ, नहीं आएंगे भाई साहब। अरे नोबिता और कुछ देखना है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया, यहाँ पे इन लोग ऐसे करके क्यों मारा? अरे फ्रैंकलिन एक बात सुना। अरे यार और बोलता है भाई साहब ये का। अरे रुको रुको रुको, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चला जाऊंगा। अरे ठीक है चला जा यहाँ से, भाई साहब आके यहाँ पर जो हमारे बीच में दरार यहाँ पर दे रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया। अबे चुप। अरे मेरे दोस्त बतलू तुम ठीक हो ना? अरे मोटू मैं बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे चक्कर आ रहा है। अरे मेरे दोस्त चलो यहाँ से चले जाते हैं, भाई साहब चला जा। अरे फ्रैंकलिन तूने आज जो किया ये सही नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों को बिना बोले मारा। भाई साहब मारना? भाई साहब मैं तेरा जान ले लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, आज से मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ फ्रैंकलिन कि आगे से कुछ भी हो जाएगा फ्रैंकलिन, लेकिन मैं आगे से नहीं यहाँ पे तुम्हारे पास आऊंगा और ना ही तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ दोस्ती रखने की कोई जरूरत है। आज से मोटू और फ्रैंकलिन का रिश्ता खत्म। अरे हाँ मेरा भी यहाँ पर जो खत्म रिश्ता।
भाई सब निकल जा। अरे चलो चलो, यहाँ पे इसने जो किया आज मैं बर्दाश्त के लायक नहीं है पतलू। अरे हाँ चलो मोटू, यहाँ पे ऐसे करके बदनाम होने से तो अच्छा हम लोग फ्रैंकलिन के घर ना ही आते। अरे बिल्कुल पतलू, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अरे मोटू चलो यहाँ पे चले जाते हैं। अरे हाँ चलो पतलू। तो फिर यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे फ्रैंकलिन ने मोटू पतलू के साथ जो बिहेवियर किया, उसके बाद मोटू पतलू यहाँ पे लॉस सैंटोस छोड़कर जो वो चला गया। और यहाँ पे मोटू पतलू यहाँ पर वादा करके गया कि वो आगे से कभी भी लॉस सैंटोस पर जो आएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे आगे क्या होने वाला है या फिर क्या होगा, इसके लिए आप लोग नीचे कमेंट कर दो पार्ट टू। अगर यहाँ पे 1000 लाइक टारगेट पूरा हो गया तो फिर बहुत जल्द यहाँ पे पार्ट टू भी आ जाएगा। तो फिर कमेंट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।